उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, अगर कोई नहीं है कोई बात नहीं, मैं आप सबके लिए प्रे करूँगा जल्दी जल्दी सब ठीक हो जाए। अभी हम कहाँ हैं नो आइडिया, बट मैं कहीं ना कहीं बोर्ड देख के आपको बताता हूँ। तो वहाँ से हम निकल गए थे नाइट को, रात को, मतलब कल पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक अपनी गाड़ी लोड की, फिर वहाँ से लोड करके हम रात को निकल गए और पूरी रात बिना सोए हम कंटिन्यू चलते रहे। अभी सुबह के 6 बज चुके हैं और देखो कितना प्यारा मौसम है। अभी रुके हैं, 3 गाड़ी हैं, 1, 2, 3 बट अपने साथ 4 गाड़ी हैं, 1 गाड़ी आगे चली गई है। हम 3 रुके, यहाँ पर पियेंगे चाय, फिर जहाँ से चलते हैं आगे। खड़ी यहाँ पर मस्त गाड़ी है, क्या लग रही है। और तब तो ज़्यादा सुबह हो चुकी है, पूरी रोशनी हो चुकी है और बन रही है अपनी चाय भी, चाय वगैरह पी ली। चलो फिर आप निकलते हैं यहाँ से सीधा आगे मस्त सभी गाड़ियों के साथ। माजिद भाई की गाड़ी पीछे पीछे अपनी, एक आगे आगे, एक वो साथ वाली भी मिल गई, वो आगे वेट करता है हमारे। अब सात चारों गाड़ियाँ साथ में और सुबह का मौसम इतना प्यारी लग रही है, चार गाड़ियाँ मस्त मज़ा आ रहा है। और यहाँ पे अपने भाई लोग, सभी सब्सक्राइबर भाई लोग, कितनी मस्त सुबह हो चुकी है। सर हमें छोड़ के जा रहे हो, चलो चलो आगे लगाओ गाड़ी। तो आगे सब्सक्राइबर भाई लोग, उन्होंने बोला रुकने के लिए, लगाई साइड में गाड़ी मिलते हैं। और जब निकले थे ना, पूरा डाला वॉश करके, पीछे से आपको दिखाया पिछले ब्लॉग में, पूरा इसको वॉशिंग करके कितना सही लग रहा है। और नीचे मैट लगवाने वाले, और अनिश भाई को पता नहीं होगा भाई, सरप्राइज हमने प्लानिंग की, मेरे और गेट भाई ने मैट लगवाएंगे, लगवाने के बाद अनिश भाई को बताएंगे। अभी भाई लोग से मिलते हैं अच्छे से। अब सुबह होगी, यहाँ पर रुके ये गाड़ी, एक उसके आगे, एक वो पार, एक यहाँ पे भाई ने यहाँ पर लगाई, थोड़ा वॉशिंग करा लेंगे, हमें भी करानी थी। अब देखते हैं ये आटा है कि उसको हम कराएंगे, और हमने सोचा तब तक ये वॉशिंग होती तब तक हम ग्रीस और फिल्टर ये छोटा मोटा काम करा देते हैं, बट अभी तक ग्रीस वाला आया ही नहीं यहाँ पे। देखते इसको कितना टाइम लगेगा, फिर अपनी सिचुएशन क्या है, क्या हो करानी वॉशिंग। चलो फिर इशारा देता हूँ मैं, आ जाओ वहाँ से लगाते हैं इसी के साथ में, साथ में ये वॉशिंग, तो साथ साथ में हमारी वॉशिंग हो जाएगी। काफ़ी लंबा टाइम हो गया बिना वॉश करते गाड़ी चलते, टाइम नहीं मिल रहा। लग गई दोनों गाड़ियाँ, अब बस थोड़ा अंदर से साफ सफाई करेंगे, मैं निकाल देंगे, तब तक वो ये गाड़ी वॉश करेंगे, फिर हमारी वॉश करेंगे। करता हूँ अंदर से मैट, ये वाले मैट कहनी चाहिए, सारा सामान निकाल दिया, पूरा नीचे भी खाली कर दिया। सबसे पहले यहीं पे पानी मरवाएंगे ना, फिर बारियाँ बंद करके, खिड़की बंद करके पूरा। बट मैन पीछे ही है, बॉडी ही है, क्योंकि कैबन तो हमने मंडी पर धोया था अच्छे से और अभी भी साफ है बिल्कुल। और यहाँ पर स्टार्ट हो गया वॉशिंग, चलो 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 वॉशिंग होगी स्टार्ट। तीनों गाड़ियाँ पहले लाइन में खड़ी हैं, तीनों के तीनों वॉशिंग कराएंगे। और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ व्हील कप उतार रहा हूँ सबके, ये चक्के हैं ना कितने गंदे हो गए, इनके अंदर वो डीजल मारेगा, पूरा साफ करेगा, खोलते ही जल्दी से ये वाला व्हील कप भी। इस गाड़ी की चल रही है अभी वॉशिंग, साबुन मार रहे हैं साथ में पानी भी, और बस तीन गाड़ियाँ खड़ी हैं। और अपने व्हील का मैंने सारे खोल के इकट्ठे रख दिए, इनको भी अलग से धुलाएंगे। और यहाँ पे भाई साहब अपने कुछ कर रहे हैं, देखते हैं क्या कर रहे हैं। और बाकी भाई गए सर्विस स्टेशन वाले भाई की बाइक लेके गए मार्केट में, वहाँ से लाएंगे चिकन, लाएंगे अपने लिए, मैंने अपने लिए सब्जी मंगा दी और चावल मंगा दिए। आप वॉश नहीं कराओगे, अभी साफ है यार, ये साफ है पूरी। धूप ही आ गई और काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है भाई वॉशिंग को, अभी यही गाड़ी हो रही है बस की शो ही रहेगी, और दोनों साइड हो गया, पीछे भी हो गया, बस आगे से रहेगी उसका हमारा नंबर। बाइक तो साफ है, उन्होंने शैम्पू मार के खुद हाथ से साफ कर ली, वो नहीं धुलाएंगे। फिर तो यहाँ से जाएंगे करके वो पार, ग्रीस वाले भैया भी आ गए, फिर यहाँ पे गाड़ी खड़ी करेंगे ना, इनकी वॉश हो जाएगी, ये खड़ी करेंगे तो ग्रीस करा लेंगे, फिर हम करा के ग्रीस करा के फिर निकलेंगे आगे। यहाँ पे आगे रेलवे फाटक था ना, यहाँ से पटरी जा रही है वो पार से, वो आगे फाटक था उसी का जाम भाई, इतना लंबा जाम हो गया ना, काफ़ी लंबा जाम हो गया। वो वाली गाड़ी होगी वॉश, कहाँ गई ये, वो पार खड़ी की है ग्रीस वाले के पास, वहाँ पे करेंगे ग्रीस। अपनी गाड़ी का नंबर आ गया, आ गया कि पानी पीछे साबुन,
कुछ टाइम में हो जाएगी, और टाइम काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, देखो धूप भी आ गई है पूरी, फिर भी कुछ टाइम में हो जाएगी पूरी वाश। उस गाड़ी की ग्रीस भी होगी और अपनी गाड़ी की अभी तक वाशिंग नहीं हुई, इस साइड से पूरा वाश हो गया। और यहाँ पे भाई मैं मिलने के लिए दाएं और बाएं से भी होगी अपनी, बस आगे और पीछे से रहेगी। अभी शैम्पू ला के दिए, अच्छे से कराएंगे पूरा वाश, फिर बाइक की गाड़ी खड़ी है वो पार है उनको कराएंगे थोड़ा आगे, फिर उसकी जगह लगा के कराएंगे ग्रीस वगैरह सब कुछ। होगी अपनी गाड़ी की पूरी वाशिंग, वहाँ से पॉइंट से निकाल के यहाँ पे लगाई, और अपने चौथे भाई थे उनकी गाड़ी लगी यहाँ पे, अब वो करा रहे हैं वाश, अब पूरी वाशिंग। ग्रीस वाले वहाँ पे अभी नीचे लगे हुए हैं उस गाड़ी के, वहाँ से वो फ्री होंगे, फिर मैंने बोला फिल्टर ग्रीस कर दो एक बार वाशिंग के बाद। काफ़ी कमेंट आ रहे थे भाई वाश नहीं करा, इतनी गंदी हो गई है। अब थोड़ा सा मैं आपको दूर से व्यू दिखा देता हूँ, लुक दिखा देता हूँ यार, अब महसूस हो रहा है कि गाड़ी है यार, पहले तो अच्छा नहीं लग रहा था। ये रही आगे से ग्रीस वाले भैया भी हो गए फ्री, अब आगे भाई यहाँ पे कर रहे हैं ग्रीस, और फिर से ट्रेन आ गई ना उसका जाम लग गया यहाँ से पूरा वो पीछे तक, बस ग्रीस कराएंगे फिल्टर कराएंगे उसके बाद। बाकी भाई लोग ने तो खाना बना दिया, इस गाड़ी में खाना बन रहा है और उस गाड़ी में बन चुका है, और इसके बाद हम भी बनाएंगे अपना खाना, फिर यहाँ से खाना बना के निकलेंगे आगे के रास्ते में खाएंगे। अपनी एक ही गाड़ी वाशिंग रहेगी, वकील मालमोट सारी होगी, उन्होंने भी खाना बना दिया और हमने भी चढ़ा दिया खाना कुकर पे, चावल चढ़ा दिया, सब्ज़ी बन चुकी है, अब देखेंगे यहाँ रास्ते में खाएंगे, लगभग मुझे लगता है यहीं पर खा के निकलेंगे आगे। और अगले रेलवे पाठक का उसका जाम काफ़ी तगड़े वाला जाम आ गया, अभी भी लगा हुआ है पाठक का, गाड़ियाँ हम सभी निकाल रहे हैं यहाँ पे, वही वॉशिंग होगी, अब चलेंगे, खाना उन्होंने नहीं खाया और हमारा दाल बन गया, बस चावल में चलते चलते ना कोई थोड़ा ही एरिया क्रॉस करेंगे चावल बन जाएंगे। कर रहे हैं अभी धीरे धीरे सिटी वाला एरिया पूरा क्रॉस, सिटी वाला एरिया हो गया क्रॉस, आप देखो कितना सही रोड लग रही है पूरा खाली खाली। आ गई अपने साथ वाली गाड़ी एक ये रही, और माजी भाई वाली गाड़ी पीछे आ गई और एक आगे चली गई, यहाँ पे एक्सप्रेस ऐसे ही कर रहे हैं, कभी वो आगे कभी हम आगे, मस्त एक दूसरे की रील है वीडियो शूट कर रहे हैं। एक गाड़ी सभी गाड़ियाँ पहुँच गई यहाँ पे टोल पे, अब देखते टोल कटेगा या नहीं कटेगा क्या होगा। आगे वाली गाड़ी कर रही है बात कि आर्मी का माल है, बट जितने टोल पीछे क्रॉस करके आए ना किसी ने बात नहीं मानी, उन्होंने टोल काटा ही काटा सबका, अभी तक कटा ही कटा, अब देखते ये वाला क्या होता है। काफ़ी चलते आगे आगे, दोपहर का टाइम और अभी सभी गाड़ी वाले ने खाना बनाया था, अब यहाँ पे लगाई ब्रेक, यहाँ पे खाना खाएंगे फिर यहाँ से निकलेंगे आगे। दो गाड़ियाँ सही लग रही हैं और एक अपनी ये तीसरी गाड़ी पता नहीं कहाँ गई, टायर फट गए पीछे वाले, टोल आ गया टोल, ये लगेगा या नहीं लगेगा कैसे बताते हैं, हमने तो उस शीशे के आगे कवर अप करके रखा हुआ है, मतलब टूटते कहीं नहीं मानते, फिर हटाना पड़ता है कटाना पड़ता है। बाकी अपने साथ की गाड़ी है पीछे पीछे, दो पीछे और एक आगे, पहुँच गई अपनी चार गाड़ियाँ, एक दो तीन चार, तीन है भाई चौथी कहाँ है, हाँ चौथी उस लाइन में है, एक दो तीन चार गाड़ी पहुँच गई। और यहाँ पे बोल रहे हैं कि सीनियर से बात करनी पड़ेगी, ऑफिस जा रहे हैं अंदर, चलो 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 सीनियर से बात करो, जा जाओ बोल रहे हैं अंदर जाके सीनियर से बात करनी पड़ेगी, जा रहे हैं सभी अंदर। मौसम भी अभी काफ़ी बेहतरीन हो गया है, धूप भी नहीं है, काफ़ी शानदार मौसम हो गया है। हमें डेढ़ घंटा हो गया इसी टोल में खड़े हुए, जयेश भाई और सभी ड्राइवर वहाँ पे गए थे ना अंदर ऑफिस में बात करने के लिए, बस ये मना रहे थे वो नहीं मान रहे थे, तो लास्ट हमारा ही टाइम टूट रहा था, उनका तो कुछ जाना नहीं था, इस वजह से हमने बोला चलो ठीक है आएंगे। अब धीरे धीरे गाड़ी कर रहे आगे, ये अपनी आ गई अगली गाड़ी, और मैंने भी आगे से कवर हटा दिया, अब टोल कटेगा तो चलते यहाँ से आ गई, फिर पीछे भी खाना नहीं खाया और टोल कटा के आगे रुक गए। हम चलते हैं हम आगे, बाद में आना बाद में, भाई खाना खा रहे ना वहाँ पे, तो वो पीछे खाना खा रहे हैं और हम निकल के ना हमें पूरी जी भाई को भूख थी ना आगे उनको भूख थी, हम आगे खाएंगे की वो दो गाड़ी रहेगी पीछे, और हमें अभी तक खाना नहीं खाया, अभी भूख नहीं लगी, और आगे आगे एक किलोमीटर के बाद टोल, फिर से आ गया टोल, यहाँ पे की गाड़ी खड़ी ऐसे चेक करेंगे निकलेंगे फिर आगे। गाड़ियाँ खड़ी हैं वो पार, मैं आया हूँ यहाँ पे शाम में लेते हैं दही तो चलता हूँ वापस में। शाम का वक्त 4:30 बजे का, और
और अभी कर रहे हैं मार्केट क्रॉस। ठंडा मौसम है काफ़ी, अच्छी सिटी है, बट कोई ना कोई सिटी कर रहे हैं क्रॉस। दो गाड़ियाँ अपनी आ गई हैं और हमारी तीसरी और चौथी अपने पीछे पीछे आ रही है। सूरज भी ढलने को आया, शाम का वक्त और टाइम हो गया, टाइम बज गए 5 बज गए और सिंगल से रास्ते से चल रहे हैं हाईवे। वो भी कितना प्यारा लग रहा है, साथ में पूरे खेत खेत के साथ ऊपर सूरज। आ गया रेलवे पाटक का जाम, इधर ही और पीछे भी पूरा जाम ही जाम। जैसे रेल निकलेगी ट्रेन निकलेगी उसके बाद खोलेंगे डंडे तो फिर हम क्रॉस करेंगे। इधर भी चल रहा है भाई रोड का काम, कब ये रोड बनेंगे यार, जब बनेगी ना मस्त सफर निकलेगा। अगेन भाई पुलिस वाले, थोड़ा सा जूम करता हूँ, आज की वीडियो में ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे यार। ये रेश भाई फिर से उनको देने खर्चा पर्चा लगता है, इतना नॉर्मल बात है यार, हर गाड़ी वाले को देना पड़ता है। और शाम का वक्त है, बस निकलेंगे गाड़ी, मेट्रो की लाइन ऊपर से पूरी, ऊपर से पूरी मेट्रो की लाइन, नीचे से हम चल रहे हैं। तीन ये देखो नीचे सड़क, बीच में ट्रेन का ब्रिज, ऊपर मेट्रो, गाड़ी ट्रेन मेट्रो, कितना प्यारा लग रहा सारा देखने में। अंधेरा पड़ गया और हम एक्सप्रेस में चल रहे हैं, और इसके जो इतनी तो लाइटें होती है ना वो भी ऑन होगी अभी, अभी हल्की हल्की दिख रही है, जैसे जैसे अंधेरा पड़ेगा ना वो भी अच्छे से दिखेगी। निकल लगी पहुँच की बाइक सारी, मज़ा आ रहा है। कैमरा मैन जल्दी फोकस करो, कर रही है वाली सिटी क्रॉस। चलो 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 चलो, पूरा अंधेरा पड़ गया, गाड़ियाँ लाइन वाले यहाँ पर रोकी, शीशे से साफ करेंगे और चाय पियेंगे फिर यहाँ से आगे निकलेंगे। पूरा अंधेरा पड़ गया, हाँ चाय पियेंगे, खाना तो अपना बना हुआ है तो बना ही हुआ दोपहर का, वही कहीं से दही ले लेंगे और आराम से अपना हो जाएगा। और अगर अभी तक आपने फॉलो कहीं नहीं किया ये इंस्टाग्राम की आईडी फॉलो करो भाई। चाय पी ली, उससे फ्रेश भी हो लिया, शीशे साफ सारे काम हो गए, अब निकलेंगे यहाँ से सीधा आगे, सिर्फ खाना खाने के लिए ब्रेक मारेंगे, बाकी कोई रेस्ट नहीं। चाय पी के पहुँच के गाड़ी में, राजेश भाई चले गए उस गाड़ी में सोने के लिए, सभी गाड़ी में दो दो बंदे हैं यहाँ पे, राजेश भाई अकेले चलाने वाले, अब उमरपुरा, अरे उमरपुरा चलाएंगे ये वाली गाड़ी और उमरपुरा का जो दूसरा बंदा है वो चलाएगा वो वाली गाड़ी, देखते हैं। जब तो थकेंगे नहीं तब तो राजेश भाई को रेस्ट देंगे, नाइट राइड वो तो हमें होती है, रोज नाइट राइड ही होती है हमारी। चलेंगे अब यहाँ से, आप देखेंगे आगे की बिरयानी मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा, वरना कुकर में तो खाना बचा ही है दोपहर का, वही खाएंगे। 8 बजे का टाइम और कंटिन्यू चल रहे थे, बट आ गए जाम लगा हुआ अभी। कहाँ का? शामली का पाटक आगे, रेलवे पाटक है, बहुत जाम होता है। चलो धीरे धीरे करेंगे क्रॉस, और क्या, हमारा तो सब्जी वगैरह दिन का बच गया था, तो उमर भाई का भी दिन का बच गया था, अभी हम चावल बनाएंगे ना पीछे से, क्योंकि राजेश भाई सोए ना, तो अगर उस गाड़ी में मैं जाके बनाता तो उनको डिस्टर्ब होता, फिर मैं वहाँ से चावल इस कुकर में डाल के ले आऊँ। इधर ये आ गए चावल, अब जल्दी से उठाते हैं अपनी सीट वगैरह, जाम बहुत लंबा जाम है, परेशान हो गए जाम, दो घंटा पूरा, अभी और कितना लगेगा वो पता ही नहीं है। चलो तब तक मैं इसको उठाऊंगा आराम से और बनाएंगे गैस में चावल, फिर आगे की आराम से खाएंगे। टाइम हो चुका अभी रात के 11 बजे का, फिर से देख लो मैं, हाँ 11 बजे का, और एक बार आगे देखो, देख रहे हो कौन सी जगह, अपाला, अपाला टोल पे पहुंचे और उसका इतना भयानक जाम है ना, बहुत लंबा जाम, तंग हो गए यार, चल चल के चल बोल के, अब आगे जाएंगे पता चलेगा यार, वो पास में टोल गेट पे दिख रहा है, समझ नहीं यार इतना जाम इतना ज़्यादा है किस चीज़ का, टोल का इतना जाम तो नहीं होता, वो पास में आ गया टोल, अब ये क्रॉस करेंगे तो पता चलेगा कि किस चीज़ का इतना जाम है। फाइनली पहुंच गए टोल में, टोल में देर हो, जो जो डॉक्यूमेंट मांग रहे ना हम दे रहे हैं उनको, जो मांग रहे हैं। और नींद इतनी आई है मत पूछो यार, काफ़ी ज़्यादा नींद आई है, बहुत बुरी हालत, और आगे भी टोल क्रॉस करने के बाद ही जाम देख रहे हो, इतना बड़ा जाम है अभी, कर दिया टोल भी क्रॉस। वो आगे पर गाड़ी ख़राब हुई थी ना एक साइड में, तो पीछे तो काफ़ी बड़ी जगह थी, आगे डबल लाइन ही थी, देखो हाईवे थी, और एक जगह पूरी वो गाड़ी ख़राब हुई थी, सिंगल लाइन से गाड़ी आ रही थी, इतनी सारी गाड़ियाँ तो टाइम तो लगता ही था,
अब गाड़ी कहीं खड़ी, उन्होंने भी दो गाड़ियों ने अपने टोल क्रॉस कर दिया, तीसरी कर रही है। हमने बोला हम लगाते हैं साइड में, तो टायर टूर चेक करेंगे, आप आ जाओ फिर खाना खा के निकलेंगे यहाँ से आगे। खाना भी हो गया, अब निकलेंगे यहाँ से आगे। आज की फुल नाइट करेंगे कानी में ड्राइव, तो मैं सोच रहा हूँ उस ब्लॉग को मैं एडिट करती चलते चलते ही, उसको कहते हैं फिर खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। पर अभी तक आपने सब्सक्राइब